हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एनआर इलेक्ट्रिशियन में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के बोर्ड की घर पर वायरिंग करना सिखाऊंगा। यह देखिए, मेरे पास इस प्रकार का बोर्ड है जिसमें तीन तो सॉकेट है और एक ये बल्ब का होल्डर है। तो इसकी मैं आपको घर पर वायरिंग करना सिखाऊंगा। जिन लोगों को वायरिंग करना नहीं आता है वो इस वीडियो को पूरा देखना, जिसमें मैं आपको वायरिंग करना सिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप बिल्कुल अच्छी तरह से वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में वायरिंग करना सिखाता हूँ। देखिए, मैंने इसमें दो कलर के वायर लिए, एक लाल कलर का है और एक ये ब्लैक कलर का है। अपन लाल कलर को लगाएंगे फेज वायर में और ब्लैक कलर को लगाएंगे न्यूट्रल वायर में। तो पहले इस लाल कलर के वायर को फेज वायर में लगाते हैं। तो फेज वायर में लगाने के लिए ये देखिए बटन है, ये बटन के नीचे वाले पॉइंट जो यहाँ पे है, तो इनमें फेज वायर आएगा इलेक्ट्रिसिटी लाल कलर का। ये जो टर्मिनल पॉइंट है इनमें फेज वायर देंगे अपन। तो इसलिए पहले नीचे वाले पॉइंट में सभी में अपन दे देते हैं। मैं आपको देख के बताता हूँ, वो भी पहले से वायर की भी मैंने पहले से कटिंग कर दी थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए तो मैं पहले इस प्रकार देखिए इसमें फेज वायर देता हूँ। देखिए नीचे वाले पॉइंट में एक वायर मैंने कटिंग कर दिया, एक छोटा सा वायर लिया और इसके नीचे वाले पॉइंट में लगाएंगे। इसके साथ में ज्वाइन करने के बाद में नीचे वाले टर्मिनल में लगाने के बाद में इसको टेस्टर के माध्यम से अति कसेंगे। इसको अति कसना है, इसको मैंने कस दिया और अब यह इसके साथ में लगेगा। इस बटन के नीचे वाला पॉइंट में जोड़ेंगे बटन के, और इसके साथ में भी एक छोटा सा वायर वापस जोड़ देंगे। अब इसको वापस इस नीचे वाले पॉइंट में लगाएंगे और इसको भी टेस्टर के माध्यम से आते कसेंगे। इसको भी देखिए मैंने आते कस दिया और इसको भी वापस इस नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। इसको भी वापस इसके साथ में वायर जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार जोड़ता हूँ। ये फेज वायर है, जो फेज वायर आया है इसको नीचे वाला पॉइंट में दिया। देखिए ये इसको इसमें आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया और वापस ये इस पॉइंट में जाएगा नीचे वाले पॉइंट में। तो ये अपनी फेज वायर की वायरिंग तो कंप्लीट हो गई। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से दो वायर आते हैं, ये आएगा इलेक्ट्रिसिटी की वायर, जो फेज वायर आएगा उसके साथ में जॉइंटिंग होगा जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आएगी। तो ये सौ बटन है, इस बटन के नीचे वाला पॉइंट में गई है। देखिए इस पॉइंट में की इससे होती है इस पॉइंट में, इसमें और इसमें, ये बटन के नीचे वाले पॉइंट है उसमें फेज वायर गया। फिर इसे बचेगा न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर को देंगे अपन सॉकेट में। तीन सॉकेट है और एक इस बल्ब के होल्डर में देंगे, वो भी मैं आपको देख के बताता हूँ। तो न्यूट्रल वायर के लिए अपने को अपन ने ब्लैक वायर लिया है। इसको भी यहाँ पे देखिए एल लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन देंगे लाइट, जहाँ पे लाइट का एल का मतलब लाइट, तो इसमें देंगे और इसके साथ में एक छोटा सा ब्लैक कलर का टुकड़ा जॉइंट करेंगे। इस प्रकार देखिए मैंने जॉइंट किया और इस पॉइंट में लगाएंगे, यहाँ पे एल लिखा हुआ होगा। और वायरिंग करना जल्दी से जल्दी करके बताता हूँ।
देखिए इसमें एक न्यूट्रल मार दिया इस सॉकेट में, इस पॉइंट में, और अभी इस पॉइंट से होते हुए वापस इस पॉइंट में जाना है। तो इसमें अपन देंगे और इसके साथ में एक और वायर ज्वाइंट करेंगे ताकि अगले वायर में, अगले सॉकेट में भी आप वापस कनेक्शन दे सके। देखिए मैं देख के बता दो इस प्रकार। बहुत सरल है इस प्रकार वायरिंग करना। इसको ट्रैक्टर के माध्यम से हाथी कसेंगे। और एक और वायर रहेंगे इसके साथ में, इसको भी इस प्रकार ज्वाइंट करेंगे देखिए, ताकि यह इस प्रकार आगे जा सके। इसके साथ में भी इस प्रकार देंगे अपन। इसको भी आते कसेंगे। इसको इसके साथ में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए तीन सॉकेट थे, तीन सॉकेट के इस पॉइंट में आए। देखिए ये न्यूट्रल वायर आया, इससे इस पॉइंट में आया और इस पॉइंट से इस पॉइंट में आया। ए एल एल जहाँ पर लिखा हुआ है, और ये कि होल्डर है बल्ब का, इसके ऊपर वाला पॉइंट में दे देंगे अपन। देखिए ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी दे जाता है, बल्ब का ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें देंगे अपन। यह देखिए, और इसको भी आती कस देंगे। देखिए आपको समझने पे आसानी हो, इसलिए मैंने दो कलर के वायर लिए, एक लाल कलर का और एक काला कलर का। लाल कलर को मैंने लगाया है इसमें फेज वायर में, जो बटन के नीचे वाले पॉइंट में से भी मैं गया है। और ब्लैक कलर का वायर है जो न्यूट्रल का आता है, उसको सॉकेट के सॉकेट में एक पॉइंट में दिया। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इससे फिर ये इस होल्डर में एक एक पॉइंट में, जहाँ पे एल एल लिखा हुआ है वहाँ पे। देखिए इस पे भी एल लिखा हुआ है, इसमें भी एल लिखा हुआ है, इसमें भी एल लिखा हुआ है, और ये होल्डर है, होल्डर के ऊपर वाले भाग में दिया है। आप होल्डर के कोई भी भाग में दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये इस प्रकार वायरिंग तो कम्प्लीट हो गई, और इसको वापस बटन से कनेक्ट करने के लिए इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, और इसको इस बटन से कनेक्ट करेंगे। वो भी मैं आपको वायरिंग करके बता देता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा कि ये वायरिंग कंप्लीट सही हुई है नहीं हुई है, और काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा इस बोर्ड को। इसलिए इसको भी मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके बताता हूँ। देखिए इस प्रकार, इसको मैंने इस तक कनेक्ट किया, और इसको इस बटन से नीचे वाले बटन से कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये बटन था, ये सॉकेट का था, तो इससे इस बटन से कनेक्ट किया, नीचे वाले बटन से कनेक्ट किया, इस पॉइंट को इस ऊपर वाले बटन के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इस पर इसको मैं जल्दी से जल्दी करता हूँ। और आपको सावधानी के साथ में करना है। देखिए इसको अभी इस बटन से कनेक्टेड कर दिया, इसको भी इससे मैं कनेक्टेड करता हूँ जल्दी से जल्दी। इसको भी मैं करता हूँ कनेक्टेड।
इस कॉपी आती के साथ इस बटन कॉपी में फिट कर देंगे। इन पॉइंट को आते कसना, अगर ये लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा, जिससे ये बटन जल्दी खराब हो जाएंगे। इनको आपको आते कसना है, लूज नहीं रखना है। और इसको भी इससे कनेक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, अथी कसना है। और अब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। देखिए अपन ने वायरिंग कंप्लीट कर दी है। वापस मैं आपको एक बार से दोहरा के बताता हूँ इसमें मैंने किस प्रकार वायरिंग की। ये लाल कलर का फेज वायर आया, देखिए जो बटन के नीचे वाले पॉइंट में गया, ये फेज वायर इस पॉइंट में आया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इससे होते हुए इसमें गई, इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट में गई, और इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट में गई। इन सभी में नीचे वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी फेज वायर की गई है। और फिर ये न्यूट्रल का आया, तो न्यूट्रल का भी देखिए इस चौकेट में गई, ये देखिए एल लिखा हुआ है, इस चौकेट से होते हुए इस चौकेट में गई, इस चौकेट से होते हुए इस चौकेट में गई, और इस चौकेट से हुआ ये होल्डर के देखिए ऊपर वाले पॉइंट में गई। फिर इस होल्डर के नीचे वाले पॉइंट को इस बटन से कनेक्टेड किया, बटन के ऊपर वाले पॉइंट से, और इस सॉकेट को इससे कनेक्टेड किया इस बटन के ऊपर वाले पॉइंट से, और इसको इससे कनेक्टेड किया देखिए, और इसको भी इससे कनेक्टेड किया। और इस प्रकार अपनी वायरिंग कंप्लीट हो गई देखिए। और अब इसको मैं आपको चेक करके भी बताऊँगा कि यह कम्प्लीट तरीके से इसकी वायरिंग हुई है या नहीं हुई है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देकर वापस चेक करके बताता हूँ। ये दो वायर है, ये मेरा सीरीज बोर्ड है, इसमें लगाता हूँ सॉकेट में, दोनों वायर को मैंने लगाया और इस बटन को चालू करता हूँ, तो ये बल्ब जलता है या नहीं जलता वो भी आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए तो बल्ब जल रहा है, तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, सही है। और इसको भी फ्यूज के माध्यम से अपन चेक करेंगे, इसके अंदर फ्यूज आ रहा है नहीं आ रहा वो भी मैं बताऊँगा। तो इसके अंदर फ्यूज भी आ रहा है कम्प्लीट तरीके से, इसके अंदर ये बत्ती भी जल रही है, देखिए इसके अंदर भी बत्ती जल रही है यह, और इसके अंदर भी चल रही होगी, इसके अंदर भी चल रही है। देखिए बटन बंद करेंगे तो नहीं चलती, और बटन चालू करेंगे तो ये चल रही है। और इसके अंदर भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके अंदर बत्ती चल रही है, बंद करेंगे तो बंद, चालू करेंगे तो ये देखिए फेज आ रहा है सप्लाई। तो ये इस प्रकार देखिए इसकी वायरिंग कम्प्लीट हो गई है। और आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।